नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर नील के मस्ती भरे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे आप लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ साथ नॉलेज मिलती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में है ना आपको मैं एक नहीं दो ऐसी मशीनें दिखाने वाला हूँ जिसको देख के ना आपके पंखे बिल्कुल भी खड़े हो जाने वाले, क्योंकि ये मशीन मैंने बहुत ही चॉइस करके हमारे जो फैब्रिकेटर के भाई बंधु जितने भी लोग हैं उनके लिए चॉइस करी। जो मैं सारी मशीनें दिखाता हूँ आपको, किस टाइप की मशीन है, किस टाइप की वर्क करती, चलिए बिना किसी टाइप वेस्ट किए। चलिए दोस्तों, जो हमारा बम्पर ऑफर है वो फटाफट से ओपन कर। उसी के बाद आपको काम निकाल लेते हैं, उसके बाद जो आगे की चीज है वो निकालते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। उसी के बाद देखने को मिल जाता है हमें ग्राइंडर, इससे भी कोई काम नहीं है। तो दोस्तों, आपने पैकिंग देख ली थी, पैकिंग किस प्रकार की है कि एक वुडन का बॉक्स था, उसके अंदर कार्डबोर्ड का एक डब्बा था और उसके अंदर हमारी सारी चीजें थी, यानी कि जो पैकिंग होके आती है वो बहुत ही अच्छी पैकिंग होते आती है। तो चिंता की कोई बात नहीं है कि ट्रांसपोर्ट में यानी कि ये खराब हो जाए या टूट फूट हो जाए, उसका कोई लेना देना नहीं। हमारे मतलब आपको मैं सिखा। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे दो चीज़ें मंगाई है, तो पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा रोटी हैमर, इसके बारे में सारी चीज़ें बताऊंगा, और जो हमारा ये एंगल ग्राइंडर है इसका जो रिव्यू है वो आपको नहीं है वीडियो में मिलेगा। चलिए इसको रखते हैं हम साइड में अभी के लिए, मैं नहीं दिखाऊंगा। और मेन बात, मेन पॉइंट पे आते हैं हमारे। ए हे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये है पावर एक्सट्रीम कंपनी का बहुत ही जानदार और बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है वाटर प्रूफ लाइट प्रूफ, मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। चलिए फटाफट से इसको ओपन करते हैं, ये अंदर से है कैसा और इसके साथ साथ क्या सामान है। कुछ इस तरीके से इसकी एक कार्डबोर्ड में पैकिंग होती है, इसको रखते हैं साइड में। इसके बाद कुछ अच्छी तरीके से इसकी पैकिंग हुई है, जैसे कि इसमें बहुत सारा पैसा भरा हुआ है। पैसा ही पैसा होगा। तो चलिए इसको अब ओपन करते हैं। तो देख सकते हो इसमें हमारे को कुछ बिट ढेर सारे देखने को मिल जाते हैं कुछ इस प्रकार के, तो इसको अभी हम रखते हैं साइड में, है ना। सबसे पहले हम निकालते हैं मशीन को, देखिए हमारी मशीन है उसको निकालते हैं बाहर। देख सकते हो दोस्तों, इस प्रकार की है ना, इसका जो डिज़ाइन है ना, सबसे ज़्यादा पसंद आने वाली चीज़ में इसकी डिज़ाइन है कि कितना प्यारा और स्लिम डिज़ाइन है, देख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो चलिए इसको आप रखते हैं साइड में, बाकी की चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसमें ये दिखा देता हूँ कि अपने को बीट कौन से अवेलेबल हो जाते हैं इसमें। सबसे पहले तो एक ये जो कि एक हैमर टाइप का टूल्स है, यानी कि हमको अगर दीवार वाल ब्रेक करना है तो उसके लिए ये वाला टूल यानी कि ये वाला बीट यूज़ किया जाता है, इसको रखते हैं हम अभी साइड में। इसके बाद अगर देखे जाए तो दूसरे की बात करें तो ये भी कुछ उसी प्रकार का बेकर टूल्स है, यानी कि दीवार उवाल फोड़ने के लिए है, छेदवत करना है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसी के बाद देखा जाए तो ये हमको यहाँ पे 8 का ड्रिल बिट देखने को मिल जाता है, अगर दीवार में हमको छेदवत करना है या फिर कुछ पर्दे वगैरह टांगने के जो स्टैंड होते हैं वो करना है तो उसके लिए ये वाला लोले लोले मारने के लिए 8 का बीट। इसी के बाद एक और देखने को मिल जाता है हमको, ये रहता है 10 का, यानी कि 10 mm का ड्रिल बिट होता है, तो ये भी हमको देखने को मिल जाता है यहाँ की। अभी तक जो ड्रिल बिट है वो 4 बीट हो चुके हैं, उसी के बाद पांचवा एंड लास्ट जो बीट होता है वो होता है 6 mm का, देख सकते हो यहाँ पे 6 लीटर, तो ये 6 mm का ड्रिल बिट होता है, ये भी बहुत ज़्यादातर यूज होने वाला है 6 का बिट होता है, एक्स्ट्रा पावर एक्सचेंज की मशीन है। अगर इसके वाट की बात करो तो 220 वाट की मशीन होती है। इसकी अगर हम RPM की बात करें ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1300 RPM प्रति मिनट, यानी कि 1300 RPM की मशीन है। उसी के साथ साथ अगर इसके वाट की बात करें कि ये कितने वाट की है, तो ये है 2250 वाट की, यानी कि भैया भाई साहब ये बहुत ही हैवी ड्यूटी मशीन है, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। कॉलम कितना भी मजबूत हो ये इजीली तोड़ देंगी या इजीली उसमें छेद कर देंगी। उसी के बाद अगर इसमें मोड की बात करो, यानी कि इसमें कितने ऑप्शन हमको देखने को मिल जाते हैं, तो देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एक
दो और ये तीन, तीन ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये वाला जो ऑप्शन होता है ये हमारा ब्रेक करने का होता है, यानी कि कोई भी चीज़ को तोड़ने का होता है। उसी के बाद ये वाला जो ऑप्शन होता है हमारा ब्रेक और ड्रिल, ये दोनों का ऑप्शन होता है, यानी कि साथ में वाइब्रेट भी होगा और ड्रिल भी करेगा। उसी के बाद तीसरा जो ऑप्शन हमको देखने को मिलता है ये इस प्रकार का, ये होता है ओनली ड्रिल का, यानी कि हमको अगर कहीं छेद करना है तो ओनली ड्रिल ये वाले ऑप्शन पे करके हम ड्रिल कर सकते हैं। इसको अगर हमको ऑन करना है तो कुछ इस प्रकार से ये वाली जो बटन है इसको प्रेस करके ऐसा घुमा देना है, जहाँ भी हमको जो भी मोड चाहिए उस हिसाब से इसको सेट कर लेना। तो इस तरीके की ये मशीन, और भाई साहब बहुत ही हेवी, और इसका जो डिज़ाइन है ना सबसे ज़्यादा अगर मेरे को कुछ पसंद आया तो इसका जो डिज़ाइन है, यानी कि स्लिम जो डिज़ाइन वो पसंद आया, और बहुत ही प्यारी और बहुत ही लुकवाइज मशीन। चलिए अब इसका टेस्ट करते हैं कि भाई साहब जो दावा करते हैं वाटर प्रूफ है, सच में ये वाटर प्रूफ है या नहीं, आपके सामने लाइव प्रूफ करने वाला हूँ। चलिए आपको लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो भाई साहब जैसे कि यहाँ मैंने पानी की बाल्टी ले ली है, देख सकते हो अभी आप पानी पूरा अच्छी तरीके से भरा हुआ है, और जो मशीन है उसको हम लगाते हैं बोर्ड में, इस तरीके से बटन चालू है। अभी पूरी चालू कंडीशन में है। अब इसको सबसे पहले तो हम बटन लगा के यहाँ पे इस तरीके से लॉक कर देंगे, और उसी के बाद इसको डायरेक्टली डाल रहा हूँ वाइप का पानी में। देख सकते हो ये पानी में भी अभी भी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसा वादा किया था इन लोगों ने, यानी कि कंपनी वालों ने, और अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। अभी भी देख सकते हो मैंने पानी में इसको बाहर नहीं निकाला है, अभी भी ये चालू कंडीशन में बंद होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। देख सकते हो पानी से निकलने के बाद इस तरीके से पानी इसका बाहर हो रहा है। ये मशीन सच में वाटर प्रूफ है, जैसा कि कंपनी वाले बोलते हैं ना वो सच बोलते हैं, फुल्ली वाटर प्रूफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हालांकि मुझे डर लग रहा था कि अगर ये मशीन काम नहीं करी पानी में डालने के बाद तो हमारा जो पैसा है पूरा वेस्ट चले जाएंगे। एक और बार हम ट्राई करके देख लेते हैं बटन दबा के कि ये चालू है या बंद है। भाई साहब चालू है, अभी भी बंद होने का नाम नहीं ले रही है, बिल्कुल भी वर्क कर रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो दोस्तों मेरा सजेस्ट तो यही रहेगा कि अगर आपको मशीन लेना है तो ये वाली मशीन लीजिए, सबसे बढ़िया और बेस्ट मशीन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर इसकी पावर की बात करूँ तो पावर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अगर किसी को परचेस करना है तो नीचे इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाके आप परचेस इसको कर सकते हो। अगर इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस हमको ओनली ऑन 3,450 रुपये में ये हमको मिली है। तो आप भी नीचे जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से इसको परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये पावरफुल और प्यारी सी ड्रिल मशीन, यानी कि सॉरी हैमर मशीन, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।